प्रैक्टिस yeah. किसी पर और फाइनल रिजल्ट किसी पर, ये क्या हो रहा है? हाँ, पहले एक्चुअली दी के साथ स्टार्ट की प्रैक्टिस. उन्होंने बोला कि एक काम करो, तुम रोशनी के साथ प्रैक्टिस करो. फिर वो प्रैक्टिस हुई और फाइनली जब चांस मिला तो कुछ गड़बड़ हो गई है. वो गड़बड़ हम बताएंगे बाद में. बट उतना जितना अच्छा मैंने सजाया था रोशनी के साथ रिहर्सल करने के लिए, उतना अच्छा नहीं था, बस बहुत अच्छा सजाया हमने. लेकिन रोशनी का दिल टूट गया क्या? तू रो रही थी जैसे आपने वैधी का नाम लिया बीच में कि उनको भी अच्छा लगेगा. हाँ, पीयूष, तो क्या बोलूँ. सी रोशनी फील्स अ सर्टेन वे, पर पीयूष ने भी उसको वैसे देखा नहीं और वो कई बार उसको मना भी कर चुका है. उसके बाद उसे ऐसा लगा था कि अब शायद वो उससे ओवर हो चुकी है, शी इज़ गॉट ओवर दैट थिंग. तो उसको लगा कि ठीक है, मैं इसके साथ प्रैक्टिस करता हूँ. मेरी बचपन की दोस्त है, हम हमेशा से खेलते थे साथ में, मस्ती मजाक करते थे. तो मुझे लगा था कि हाँ, ये इतना सीरियस नहीं लेगी, पर वो तो बहुत सीरियस है. मेरी गड़बड़ क्या हुई थी ये बता अभी. मतलब ही वाज सो एक्साइटेड एंड सीन्स बहुत ब्यूटीफुल है और इतना अच्छा डेकोरेट किया हुआ, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे. इसे मुझे उठाया और इसको घुमाना घुमाना और नीचे रखते वक्त धाम. मुझे उठाया तो बहुत अच्छा सजाया है. जब मैं अंदर गई तो मैंने कहा यार ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है और हर लड़की चाहती है जिंदगी में उसे तो एक बार ऐसा जरूर हो, कोई इसके लिए इतनी सारी मेहनत करे. तो वैद्य ही स्पीचलेस हो जाती है, कुछ बोल नहीं पाती बिकॉज पीयूष ने उसके लिए इतना कुछ किया है. लाइक रेड फ्लावर्स, कैंडल्स, सो इट्स ब्यूटीफुल. Love is there and then there's a big heart beside the bed and everything and balloons. Like it's really beautiful. I was so happy to see that. Like, सच में ज़िंदगी में एक बार तो ऐसा होना चाहिए. तो हर लड़की सोचती है शायद. Just drop me होना चाहिए. बोल दिया है. हाँ ठीक है. It's okay. अगर दोबारा गिराएगा तो मैं हाँ नहीं बोलूँगा. मैं मना कर दूँगी. I'll try. So, Thank you.